गाइस अभी च्युइंगम मैंने उठाई तो जलकुकड़ी इतनी है ना मेरे को भी खानी है। बस भगवान जब और बारिश ना हो, जब हम होटल में चेक इन कर ले और जब हम घूम ले तब हो बारिश, है ना भगवान जी? तुम्हारे लिए तो बैठे ना वहाँ पे। हाँ नीघा तुमने आ रही है, बारिश बंद कर दो भाई, बंद कर दो। Another fossil we have spotted, guys. Look at this. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ड्राइवर्स पर। मैं मधुर आज आपको लेकर आया हूँ इस खूबसूरत सी स्टेट मेघालय में, और ये हमारा एक्चुअली थर्ड टाइम है जब हम यहाँ पर आ रहे हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम आपको लेकर जाने वाले हैं मेघालय की सबसे हॉट डेस्टिनेशन और वन ऑफ द वेटेस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो, चेरापूंजी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत सी राइड पर। बजे हम निकले थे मीसामारी से। अब मीसामारी से ना शिलोंग की तरफ जाने के दो हाईवे हैं जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं। एक है वाया तेजपुर नगाव जोराबाट और एक है वाया मंगलदोई गुवाहाटी देन जोराबाट। हम दोनों ही रास्ते से दो बार जा चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये तीसरी बार है हमारा आज। तो ये हाईवे क्योंकि ज़्यादा बेटर है, डबल लेन फोर लेन का हाईवे है, तो अगर आप तेजपुर या इस वाले एरिया से आते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। गुवाहाटी से आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो आपको पता ही है, गुवाहाटी से तो सीधा हाईवे जाता है जोराबाट होते हुए शिलोंग के लिए, लेकिन अगर इस एरिया से आना है तो राधा देन गोइंग टूवर्ड्स मंगलदोई इस रोड से आइए। और अभी ये रोड जो है काफ़ी बेटर हो गया, हाईवे काफ़ी बेटर हो गया है, लेकिन इस पर दो टोल पड़ते हैं माइंड यू, और अगर टोल देने का मन नहीं है तो आप मंगलदोई होकर भी आ सकते हैं। गाइस बड़े बड़े समोसे, चाय, पूड़ी सब्जी और समोसा खाती हुई हथनी। ये है सिद्धि विनायक होटल, जोराबाट से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर अंदर आने के बाद ना मेन रोड पर है, सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। लास्ट सबसे पहली बार जब हम सितंबर में आए थे तभी होटल ओपन ही हुआ था, है ना यार? यार याद है तब ओपन हुआ था, तब हमने यहाँ पर रुक कर खाया था, तब से ट्रेंड है। तीसरी बार आज भी हम यहीं खा रहे हैं, और मैं खासकर यहाँ रुकता हूँ समोसे के लिए। जो समोसा है ना यहाँ पे बड़ा सा ही है, बड़ा टेस्टी है। चलिए हम खाते हैं फिलहाल ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और फिर आगे निकलेंगे शिलोंग के लिए। वेलकम टू मेघालय गाइस, लुक एट द ब्यूटीफुल क्लाउड्स आउट देयर। इस ओवर एक्टिंग के लिए प्लीज डोंट डिसलाइक माय वीडियो। बड़ो मीम लेके आ रही है, रुकना ना, थोड़ा ही आ गया ना, मैं को नहीं रुक, इतनी बार तो देख ली, मतलब दो बार तो देख ली पिछली बार, अब क्या रुकना, अब सीधा चेरापूंजी जाओ। गाइस अगर आप शिलोंग आ रहे हैं ना तो शिलोंग के रास्ते में, गुवाहाटी टू शिलोंग के रास्ते में जो मेजर अट्रैक्शन पड़ता है फॉर टूरिस्ट इज उमियम लेक। जब आप जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पर एक बहुत बड़ी लेक आती है, और उसको देखने के लिए कई पॉइंट्स बने हुए हैं। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्किंग लगाकर आराम से रुक सकते, देख सकते हैं। पार्किंग फीस है वहाँ पर, पार्किंग चार्जेस लग जाते हैं, तो दे लगा कर गाड़ी 10-15 मिनट अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है, लेकिन हम क्योंकि चेरापूंजी सीधा निकल रहे हैं, हमारा कोई मूड नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे उमियम लेक। और अगर आपको उमियम लेक देखनी है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। हाँ ऊपर ऊपर जो साइड में आया ना, पहले ये वीडियो देख लो उसके बाद वो देख लेना ध्यान से। शिलोंग नेवर सरप्राइजेस यू विद इट्स ट्रैफिक, व्हेनेवर यू कम। मेरे को पता है क्या मन करता है टियर, मैंने अपनी गाड़ी में वो लगवाया, वो मेरे को पता है क्या कह रहे हो, बल्लाल देव वाला चक्कर ना कि सारा ट्रैफिक ऐसे काटते हुए चलो जो सामने आए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लोगों से परेशानी नहीं है, मेरा मन पता है वो जो फाइटर जेट में होता है ना इजेक्शन सीट, वो बटन दबाओ और जो साथ वाला बंदा होता है वो उड़ जाए बाहर, तो वो ऐसा चाहिए मुझे ताकि मैं बटन दबाऊं और तुम बाहर हो जाओ, तुम ऊपर ही ऊपर उड़ती रहो, गाड़ी से डिटैच ना हो, और जब मेरा आधे घंटे बाद मैं चिल हो जाऊँ ना, मैं कहा अब इरिटेशन लेवल मेरा थोड़ा कम हो गया, अब आई एम फाइन, तब मैं फिर तुम्हारे को वापस उससे रस्सी से बांध के मशीन से नीचे बुला। सेम मेरा भी यही मन करता है। सो गाइस शिलोंग क्रॉस, आफ्टर शिलोंग सोरा वाला कट लीजिए, नाउ वी आर इन माउकडॉक। माउकडॉक में एक व्यू पॉइंट है, वहां भी हम रुकेंगे और आपको उस जगह को दिखाएंगे। होना ये चाहिए तो जब वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए, जब मैं गाड़ी लेकर आऊँ तो ये गाड़ी लेकर अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत कीजिए चुन्नी बाबू। गाइस दिस इज द माउकडॉक ब्रिज, और इसी के आगे है व्यू पॉइंट जहाँ से दिखता है
सारा कैनियन। तो हम जरा लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। पिछली बार आए थे तो कितना खाली था ये। गाइस जब आप शिलोंग से ना इस तरफ आते हैं सोरा की तरफ, तो इस हाईवे पर आपको बहुत सारी जगहें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वकाबा फॉल्स है, यहाँ हम शायद जाएंगे आपको लेकर। ठीक है, अभी हम इस मैकडॉक पॉइंट पर हैं यहाँ पर, यहाँ से रोड सीधा जा रहा है। वकाबा फॉल्स हम आपको दिखाएंगे, डेंट्रम फॉल दिखाएंगे, ये शायद नोहकाली का ये भी दिखाएं, और मासमाई केव हम पहले ही हुए थे, ये थांगराम पार्क भी दिखाएंगे आपको, और ये जो नॉन्ग सिंग टिंग पता नहीं क्या, ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल बोलते हैं, तो ये तो आपको दिखाएंगे दिखाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग रुकते हैं इस व्यू को देखने के लिए। सो गाइज अभी ना फिलहाल एक बज गया है लगभग दोपहर का, मैडॉक पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते। यार कुछ यही खा लें यार। चलिए गाइज यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट भी है पीछे, ये मैगी कुछ रेस्टोरेंट है, कुछ नाम पता नहीं क्या नाम है, तो यहीं पर चल के ज़रा खाना खा लेते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से चेरापूंजी के लिए आगे। सो इन दिस रेस्टोरेंट टी आर गॉट इट्स वेज फ्राइड राइस विद प्याज और मिर्च, और मैंने अभी टेस्ट किया तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे फीके से, जैसा टी आर बनाती है ना। चलो मेरी चाउमीन आने वाली है, मैंने चाउमीन ऑर्डर किया, एंड हियर आई गॉट माय नूडल्स, नूडल्स फ्राइड राइस दोनों रेडी, अभी हम खाएंगे और निकलेंगे। वेल गाइस फ्रॉम द मेन रोड जो सोरा के लिए हाईवे जाता है, उससे एक लेफ्ट टर्न लिया है फॉर द गार्डन ऑफ केव्स के लिए, नई लोकेशन पता चली है, तो वी आर गोइंग दैट साइड ओनली, और काफ़ी सारे साइनेज भी लगे हुए हैं, तो वैसे तो सीधा सीधा रोड है, हाईवे से सीधा 5 किलोमीटर अंदर जाना है लेफ्ट हैंड साइड पर। अरे भैया गाइस अगर आपको सामने कुछ दिखे ना तो बताना हमें, है ना, हमें नहीं दिख रहा है, कहाँ जाना है, ये यही घूम रहा है रास्ता, ब्लडी हेल, केस ना निकल जाए, 5 किलोमीटर का रास्ता। सो गाइस हियर वी आर, पार्किंग लगा दी है, टिकट ले ली है, फिलहाल 70 रुपीज़ एंट्री पर अडल्ट और 20 रुपीज़ पार्किंग फीस, सो दिस इज डन, चलते हैं, थैंक यू भैया। एंड अपने हथियारों के साथ, हाँ अगर बारिश हो गई, बारिश हो गई मेरे लिए, ये गॉड के लिए, ओके। एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ केव्स, तभी इसका नाम गार्डन ऑफ केव्स है, यहाँ बहुत सारी केव्स और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, किंग्स केव, और ये ऐसा बेड के जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। जो रास्ता दिखाया है वो तो है ही, ये लो, ओह दैट्स अ केव, नेचुरली फॉर्म्ड केव है, 2019 में इसको ढूंढा गया था। चलिए चलते हैं नीचे, चलो मैडम पानी आराम से आना, ठीक है। ओए बेटे काफी लंबी केव है यार, बहुत देर हो गई मैं चलते हुए अंदर। कितने फॉल्स हैं यहाँ पर, 4-5 फॉल्स, ओके, इन रेनी सीजन, ओके, थैंक यू बेबा टर्न, अरे वाह बेबा तुम नहीं हंसी।
अच्छा मतलब नहीं हंसी थी यार, डर तो अच्छी लग जाती वीडियो में, सच्ची में गिर जाओ ना मजा आ जाएगा। देखो फिर जाओगे तुम। अरे गिर जाओ यार, प्लीज गिर जाओ, घर ले जाऊंगी सीधा यहीं से। देखो गाइस वो सुना है वो पड़त पड़त नहीं क्या है वो, अरे वो रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। ये देखो इस छोटी सी पानी की धारा ने लुक एट दिस कितने मोटे पत्थर को पिघला दिया, नहीं घिस दिया है। दैट्स द पावर ऑफ वाटर। वाओ रंग दे तू मोहे गेरुआ। गाइस जनरली हम जो वाटर स्प्रिंग देखते हैं या पानी आता हुआ देखते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर से हमें दिख रहा होता है कि पानी बहता हुआ आ रहा है, बट ये कोई वाटर स्ट्रीम है जो अंदर ही अंदर बह रही है ना, और वहाँ से बहती हुई पानी में अंदर जा, जमीन में अंदर जा रही थी, लेकिन ये बैम्बूसा लगा के इसको यहाँ पर ओपनिंग इसकी कर दी है। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि पानी अंदर ही बह रहा है। And if you like this place, then do thumbs up in my video also. Like and subscribe. Now, next spot. ₹30 vehicle entry fees, ₹20 two-wheeler, ₹30 four-wheeler. ₹30 लेने वालों रोड ना ढंग से बनाई तुमने, काहे को गाड़ी हमारी फसवाई। अरे भैया क्या स्टीप रोड है, ओ माय गुडनेस बेबो, ओ बेटे। दिस इज द पार्किंग एंड यहाँ से होता है अरवा केव्स का छोटा सा ट्रैक स्टार्ट, थोड़ा सा पैदल चलना है केव्स तक, उसके बाद अंदर। लेस देन 1 मिनट्स वॉक एंड यू आर एट द टिकट काउंटर। फ्रॉम टिकट काउंटर विल मूव अहेड। ₹50 पर पर्सन अडल्ट, शाम को 5 बजे तक केव खुलती है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस केव इज सम फॉसिल्स आर फाउंड इनसाइड, बट द थिंग इज अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें तभी वो आपको देखेंगे। मोटो इज गोइंग टू डिसअपियर इन द केव्स। हैप्पी टाइम। कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल है। वाओ माय गुडनेस। ऑसम ऑसम ऑसम। सो गाइस इट्स अ डेड एंड हियर एंड नाउ वी विल गो बैक, so stay tuned. Caves are no doubt much bigger than the Mausmai cave. And अगर आपको देखनी है तो आप हमारे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। इस बार हम मौसमाई नहीं जा रहे हैं, इस बार हम उन जगहों पे जा रहे हैं। नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है ताकि लोग उसमें ना जाएं, क्योंकि वो थोड़े रिस्की हैं। केव्स आर ऑलवेज रिस्की थिंग्स। ये तो यहाँ खोदी हुई है तो हमें दिख रहा है आराम से। फाइनली वी गॉट टू सी वन फॉसिल हियर, दिस वन, लुक एट दिस गाइस। टीआर ने एक और एक फॉसिल स्पॉट किया, लुक एट दिस। ये सो गाइस वी वर एबल टू स्पॉट दिस वन इनसाइड, जो भी आपने देखा। और अब अरवा केव्स फिनिश्ड। यू मोटू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
अमेजिंग ऑसम मस्ट कम प्लेस. After Arva Caves, now we are heading towards the major attraction of the day and of this trip, Seven Sisters Waterfall. Arva Caves से लगभग 11 किलोमीटर आगे व्यू पॉइंट है, तो वहाँ हम जा रहे हैं. चलिए. इस द व्यू पॉइंट फॉर सेवन सिस्टर वाटरफॉल. यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग है, 30 रुपये कार पार्किंग. रोड साइड ये जगह है और यहाँ से ही है ये नज़ारा. नाउ दो बातें हैं, एक तो ये वाटरफॉल व्यू पॉइंट, अगर आपको ये वाटरफॉल देखना है. इसके अलावा आप ऊपर जहाँ पर वो वाटरफॉल जहाँ से गिर रहा है वो जो जगह है वहाँ भी जा सकते हैं. कुछ मत बोलो. कैसा लगा? लगा कैसा? जोर से लगा यार. दूसरी बार ना इतनी गंदी बेइज्जती हुई है ना. वी केम हियर, नहीं, ही जस्ट केम हियर फॉर दीस फॉल्स ओनली. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी वाटर स्ट्रीम्स हैं. हाँ जी दोस्तों, तो आज का दिन होता है यही खत्म. आज के लिए करते हैं साइन ऑफ. आपसे मिलेंगे हम कल सुबह. जो जगह देखनी थी देख ली. अब हम जा रहे हैं होटल ढूंढने और आपको लेके चलेंगे कल बहुत सारी खूबसूरत सी जगहों पर. तो बने रहिए और हम मिलते हैं आपसे कल. बाय बाय. उतरने में ज्यादा है, चढ़ने में तो दिक्कत. डर लग रहा है. ऐसा उतर कर आए हैं और अभी ऐसा 90 डिग्री के एंगल पे, नहीं 70-75 डिग्री के एंगल पे उतरना है.